close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hey guys, and welcome back to my channel Mobile Talk. So guys, Vivo का भी mid-range segment का phone का trending चल रहा है 5000 battery और triple camera के साथ. तो इससे पहले भी दोस्तों Vivo ने दो-दो model पहले launch कर चुका है, Vivo Y15 and Y70. तो मैंने इस दोनों model का video बना चुका हूँ. अगर आपने वो video अभी तक नहीं देखा है तो आपको description में दोनों video का link मिल जाएगा, आप जाके वो video भी देख सकते हो. तो आज का जो topic है Vivo Y12, तो इसका भी 5000 बैटरी और ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा. तो बहुत ही अच्छा सा फोन है, 5000 बैटरी और इस फोन का प्राइस आ गया 12999 रुपीस ओनली. सो गाइस, आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में और इसके साथ ही दोस्तों हम करेंगे इस फोन का छोटा रिव्यू और बात करेंगे इस फोन की और भी नए-नए फीचर्स के बारे में. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज हिट द रेड बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन. आई होप गाइस यू वुड एंजॉय दिस वीडियो. तो गाइस, ये रहा Vivo Y12 और इसका जो डिज़ाइनिंग आप देख सकते हो काफ़ी मिलता जुलता है Vivo की प्रीवियस फोन Vivo Y15 और Y17 से. काफ़ी सेम ही फीचर्स और सेम ही लुक आपको यहां पर मिल जाएगा. तो बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहां पर आपको 6.3 इंच का आपको 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले मिल जाएगा. और प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको मिल जाएगा हेलियो P22 प्रोसेसर जो कि आपको डुअल 4G के साथ सपोर्ट मिल जाएगा. बात कीजिए स्टोरेज, तो बॉक्स के ऊपर की तरफ हाईलाइट किया गया 4GB 32GB वाला वेरियंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा. और जो फ्रंट टच OS आपको यहाँ पर देख सकते हैं 9 आपको सपोर्ट मिल जाएगा. तो चलिए फटाफट सेटअप कर लेते हैं इस फ़ोन को और बात करते हैं इस फ़ोन की हिडन फीचर्स के बारे में. तो गाइस, पहले चलते हैं अबाउट सेक्शन पे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, 4G वाला आपको रैम मिल जाएगा, 32GB इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉयड वर्सन भी आपको यहाँ पर देख सकते हो, CPU रियल टाइम डाटा चेक कर सकते हो. और नीचे की तरफ देख सकते हो फ्रंट टच OS आपको 9 यहाँ पर मिल रहा है जो कि Vivo ROM पे दिखा रहा है. तो गाइस, ये था Vivo Y12 का फीचर्स. तो आप यहाँ पर CPU डाटा चेक कर सकते हो कौन सी कोर कितने फीचर्स पर काम कर रहा है. तो बात करते हैं हिडन फीचर्स के बारे में. तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3 रिकमेंडेड ऐप मिल जाएगा. एक मिल जाएगा आपको इजी टच. तो गाइस, इजी टच पहले भी आपको मिल चुका है Vivo Y15 और Y17 पे. तो इजी टच से क्या करते हैं, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप इजीली इजी टच से कोई भी ऐप अगर वहां पर ऐड करते हैं तो इंस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऐप में. आपको मेनू पे जाना नहीं है, बस इजी टच पे क्लिक करना है. तो देखिए मैं किस तरह से इजी टच के यूज़ कर रहा हूँ. ये रहा दोस्तों इजी टच बटन, इसको बस क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं दोस्तों मैंने पहले से कंपनी ऐड करके रखा है फेसबुक व्हाट्सएप, तो मैंने फेसबुक के ऊपर क्लिक किया, इंस्टेंट आप ओपन कर सकते हैं. तो गाइस, इस तरह से आप फेसबुक व्हाट्सएप तरह तरह के आप गेम जो भी आपको एप्लीकेशन है वहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं. जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप ऐड करके यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर इजी टच जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है. तो गाइस, अब बात करते हैं OTG के बारे में. तो काफ़ी सारे ब्रांड के फ़ोन पे OTG डायरेक्टली ऑन रहता है, लेकिन अगर आप Vivo की फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको OTG ऑन करना पड़ेगा. यानी आप OTG का जितना सिस्टम है यूज़ करने से पहले आपको OTG यूज़ करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा. तो इससे क्या होता है दोस्तों, इस फीचर से आपको बहुत ज़्यादा पावर सेविंग्स होता है. बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो भी, तो आपको जो भी में दो ऑप्शन मिल जाएगा, स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट सेंस. तो गाइस, स्मार्ट सेंस पर आप बहुत तरह के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि ट्रैवल, इवेंट, स्पोर्ट्स, ई कॉमर्स नोटिफिकेशन, बहुत तरह का आपको नोटिफिकेशन पे रिमाइंड किया दिया जाएगा. अगर आप कोई भी ई कॉमर्स पे ऑनलाइन कोई भी परचेस ऑनलाइन किए हैं तो कब आपको डिलीवरी होगा, तो आपको नोटिफिकेशन पे लगातार आपको नोटिफिकेशन देता ही रहेगा. तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है. अगर आप कोई भी इवेंट पे जाना चाहते हो तो इवेंट सेट कर दीजिए तो आपको वो रिमाइंड करता रहेगा नोटिफिकेशन पे. तो गाइस, ये जो भी फीचर्स बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है. बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स. तो नेक्स्ट फीचर्स के लिए तो सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाएगा स्मार्ट स्प्लिट. तो स्मार्ट स्प्लिट एक ऑप्शन है, अगर आप मल्टी विंडोज़ यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक, मैसेज, व्हाट्सएप, ये तीनों काम करने के बाद अगर आप नेक्स्ट विंडो खोलना चाहते हो, मानो कि आपको यूट्यूब करना है, यूट्यूब देखना है और उसी वक्त आपको फेसबुक भी करना है, तो आप इंस्टेंट कर सकते हो. जस्ट आपको 3 फिंगर स्वाइप डाउन करना है. तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, यहाँ पर फेसबुक ओपन कर दिया, 3 फिंगर स्वाइप डाउन, तो और एक विंडो ओपन हो गया. तो यहाँ पर आप यूट्यूब भी चला सकते हो, व्हाट्सएप भी चला सकते हो. तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सएप अभी लॉगिन नहीं है. आप यहाँ पर दो विंडो किस एक तरह से आप दो फेसबुक भी चैट कर सकते हो, व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हो. तो आप यहाँ पर अगर आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, वीडियो
तो आप उसी वक्त चैट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स, इस कैप्चर यानी स्क्रीनशॉट। तो आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन से तो ले ही सकते हो, लेकिन और एक ऑप्शन मिल जाएगा थ्री फिंगर स्वाइप अप। अगर आप थ्री फिंगर से स्वाइप अप कर सकते हो तो तभी आपको स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर्स है इंस्टेंट स्क्रीनशॉट के लिए। तो दोस्तों आप बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन स्मार्ट क्लिक। तो गाइस स्मार्ट क्लिक ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मानो कि आपका फ़ोन लॉक है, स्क्रीन लॉक है, उसी वक्त आपको इंस्टेंट कोई भी काम करना है तो वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस देखिए मैं वॉल्यूम डाउन बटन दबा के किस तरह से टॉर्च लाइट जला रहा हूँ। तो बस आपको 2 सेकंड प्रेस करना है वॉल्यूम डाउन। जहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक है तभी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, रिकॉर्ड ऑडियो, ओपन कैमरा, ओपन फेसबुक। हाँ तो इंस्टेंट आप ओपन रिकॉर्ड भी कर सकते हो रिकॉर्डिंग। अगर मानो कि कोई भी डील वील चल रहा है, आपको इंस्टेंट कोई भी रिकॉर्डिंग करना है, वॉइस रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग, तो आप जस्ट वॉल्यूम डाउन दबाए और ऊपर की तरफ देख सकते हो रेड नोटिफिकेशन पे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। तो गाइस स्मार्ट रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये भी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स। तो नेक्स्ट फीचर्स कुछ भी नहीं, बात करेंगे कैमरा के बारे में। तो गाइस कैमरा पहले बता दूँ, पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा आपको मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा जो कि दोस्तों मिडिल पे रहेगा, और यहाँ पर वाइड एंगल के लिए कैमरा मिल जाएगा, और मिल जाएगा थर्ड ब्लर के लिए, और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा भी आपको मिल जाएगा, और जो कैमरा की जो मूड आपको मिल जाएगा यहाँ पर DOC मूड, प्रो मूड, फोटोज, स्लो मोशन मूड यहाँ पर नहीं मिलेगा जो कि दोस्तों वीवो Y15 में भी नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों पैनोरामा मूड, ब्यूटी मूड, नॉर्मल फोटोज मूड, वीडियो मूड, बहुत तरह का आपको यहाँ पर मिल जाएगा मूड जो कि दोस्तों अभी काफ़ी सेम ही रहता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वाइड एंगल मोड, मैंने वाइड एंगल किया दोस्तों, जो कि दोस्तों इस फोन की खासियत है, ट्रिपल कैमरा की खासियत वाइड एंगल। देख सकते हैं कितना कवर कर रहा है, कितना एरिया। तो भाई इस बहुत ही अच्छा है। अगर आप फेस ब्यूटी पे वाइड एंगल करते हो तो वाइड एंगल नहीं होगा, आपको फोटोज मोड पे जाने के बाद वाइड एंगल करना पड़ेगा। देखिए वाइड एंगल किस तरह से कवर हो रहा है। तो गाइस ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर्स है। अभी वाइड एंगल का ज़माना आ गया कैमरा पे, तो वाइड एंगल अभी सब फ़ोन पे रहना चाहिए जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा 120 डिग्री तक आपको यहाँ पर कैप्चर करेगा। तो गाइस बस यही था वीवो Y12 का फीचर्स। प्राइस के सबसे बहुत ही अच्छा फ़ोन है, यहाँ पर 5000 बैटरी दिया गया, इसलिए इसका फ़ोन का जो थिकनेस थोड़ा ही मोटा है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात अदरवाइज इसका जो फीचर्स है, ट्रिपल कैमरा, 64GB वाला वेरिएंट, तो यहाँ पर सब ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर 5000 बैटरी के साथ इस फोन में अगर फर्स्ट चार्जिंग के सपोर्ट मिलता तो इस फोन का फीचर्स और भी बेहतर बन सकता था। लेकिन दोस्तों वीवो के तरफ से ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। तो गाइस आप ये फोन खरीद सकते हो, और इस फोन के बारे में और भी जानना है, पूछना है, तो आप इस वीडियो के नीचे जाके कॉमेंट कर सकते हो। और गाइस अगर आप मुझे डायरेक्टली कुछ बातें या पूछना चाहते हो तो यहाँ पर मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का ID, आप मुझे जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर गाइस हम करते हैं बहुत सारा बात है। तो गाइस बस यही था वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।